أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Explanation of آيات 13, 14, 15 سورة ملك. وَأَسِّرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. अभी तक जो हमने सूरह मुल्क पढ़ी है उसमें पहले जिक्र आया उन लोगों का जो अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला बताते हैं उनका अंजाम क्या होगा। और अभी कुछ एक दो पिछली आयात से हम पढ़े हैं कि वो लोग जो बिन देखे अपने रब से मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह ताला की नाराजगी का डर रखते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला के पास बहुत मगफरत भी है और बहुत बड़ा अजर भी उनके लिए है। अभी जो ये आयत है वो सिर कौलकुम, सिर कहते हैं किसी चीज़ को खुफिया रखना, सिर सीक्रेट को भी कहते हैं अरबी में। वह सिर कौलकुम, चाहे इंसान अपनी बात को छुपा ले और वो झरू बही या वो अपनी बात जो है वो जाहिर कर दे। इन्ना उलीम बजाते अल्लाह ताला सीनों में मौजूद हर चीज़ को जानते हैं। अल्लाह ताला के लिए ये चीज़ लाजमी नहीं है कि हम अल्फाज में अपनी बात अल्लाह ताला तक पहुंचाएंगे तो उसको हमारी ज़रूरत का पता चलेगा। अल्लाह ताला सीनों में मौजूद हाल भी जानते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में दुआएं करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई बिल्कुल छुपा के अपने दिल में अपनी दुआ को रखे। अल्लाह ताला के पास सब का हाल मौजूद है। तो एक तो इसके अंदर ये मैसेज है कि चाहे कोई अपनी मोहब्बत और अपनी जो अल्लाह ताला के लिए इश्क है उसका इजहार कर दे, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और अगर कोई इस चीज़ को छुपा के रखता है तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला अल अलीम है, वो सीनों में छुपे हर हाल को जानते हैं। दूसरी तरफ नुमान अली खान एक दफ़ा इस आयत को एक्सप्लेन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बेसिकली ये आयत मक्का में मौजूद जो साहिब ईमान थे जिन्होंने अपना ईमान छुपाया हुआ था, क्योंकि मक्का के हालात ऐसे थे कि मुशरिकीन ने जो लोग रिवर्ट कर रहे थे इस्लाम की तरफ उनको वहाँ से मदीना शरीफ की तरफ हिजरत करने से रोकते थे, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे, खासतौर पर बच्चे और ख़वातीन और बूढ़े लोग जो ईमान लाए थे वो अपना ईमान छुपा के मक्का शरीफ में मौजूद थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला मदीना शरीफ में ये आयात उतार रहे हैं कि ये आयात जब मक्का शरीफ में उन लोगों तक पहुँचेंगी जिन्होंने अपना अभी तक ईमान डिक्लेयर नहीं किया, तो अल्लाह ताला उनको तशफ़ी दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए भी अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत मग़फ़रत है और एक अजर अज़ीम है। और अगर तुम अभी तक आउट लाउड पब्लिक में अपने ईमान का इतराफ़ नहीं कर सके और अभी तुम इसको छुपा के बैठे हो तो भी डू नॉट वरी, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल जानता है, वो लोगों की नीयतें जानता है। उसके नज़दीक तुम्हारा ईमान बहुत कीमती है चाहे वो तुम्हारे दिल में भी छुपा हुआ। तो ये दोनों इसके मायने हो सकते हैं। अला यालमु मन खलका वहुव लतीफुल खबीर, इस सूरत की सारी आयात बहुत खूबसूरत हैं, बट दिस इज माई फेवरेट आयत, बिकॉज अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या मैं ही नहीं जानूंगा जिसने तुम्हें पैदा किया। और इसका दूसरा तर्जमा ये है कि क्या मैं नहीं जानता मैंने क्या पैदा किया है। ये दोनों मफहूम इस आयत के बिल्कुल ठीक है कि एक तरफ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, तो क्या मैं तुम्हारे दिल और तुम्हारी नीयतों से और तुम्हारे इरादों से और तुम्हारी तकलीफ से और तुम्हारे गम से और तुम्हारी खुशी से क्या मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ, मैं जिसने तुम्हें पैदा किया, मैं जिसने तुम्हें तख्लीक किया अपने हाथों से। तो इंसान बहुत दफ़ा ऐसा होता है ज़िंदगी में कोई ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं, कैसे आजमाइश आ जाती है, इंसान कहता है यार नो बड़ी अंडरस्टैंड मी, यू नो मेरा इस वक्त जो गम है और मेरी जो तकलीफ है वो इतनी बड़ी है कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, यू नो। और फिर आपके पास बाज़ दफ़ा अल्फाज भी नहीं होते, क्या कहते हैं यार कोई ऐसे अल्फाज नहीं जो जस्टिस कर सकें टू व्हाट आई एम फीलिंग, तो मैं अब अल्लाह ताला को कैसे बताऊं कि मुझे क्या चाहिए, या मैं अल्लाह ताला को कैसे एक्सप्लेन करूं कि मुझे कितनी तकलीफ है, या मैं अल्लाह ताला को कैसे एक्सप्लेन करूं कि इस लम्हे मुझ पर क्या कैफियत गुजरी है। अल्लाह ताला को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान को बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि वो जो खालिक है, वो खलक रहमान पहले वर्ड आया था
कि वो तो रहमान, उसने तुम्हें पैदा किया था, वो तब अपनी सिफते रहमानियत से उसने तुम्हें पैदा किया, इतनी मोहब्बत से जिसने तुम्हें पैदा किया, क्या वही तुम्हें नहीं जानेगा? तुम शायद खुद भी अपने हाल को उतना नहीं जानते जितना तुम्हें पैदा करने वाला तुम्हें जानता। तो एक तो इसका मतलब ये है कि इंसान को ये तसल्ली दी जा रही है कि पैदा करने वाला तुम्हें उन उन बातों को भी जानता जिसको तुम खुद भी नहीं जानता। उसको अल्फाज की जरूरत नहीं है, उसको बाज़ दफ़ा आंसू, बाज़ दफ़ा क्या, अल्लाह को यकीनन आंसू की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला इंसान के दिल में जो जज्बात उठते हैं उनको बगैर अल्फाज के भी सुनता है और जानता है। वो हालात जब भी हम पे गुजरे भी नहीं, वो दिल की कैफियत जब भी हम पे आई भी नहीं, अल्लाह ताला पहले से, क्योंकि वो कुल इल्म रखता है, तो वो अपने आलिम होने की वजह से सब कुछ जानता है। तो एक तो ये मतलब है, दूसरा ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या मैं ही नहीं जानूंगा मैंने क्या तख्लीक किया। अब दुनिया में हम सारे एक जैसे नहीं है, हम में से कुछ इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, कुछ इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं होते, कुछ लोग फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग फिजिकली वीक पैदा होते हैं, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हिकमत होती है, कुछ लोग ज़्यादा सिंपल होते हैं दिमागी तौर पर। तो जिस तरह भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, अल्लाह ताला फरमा रहे मैंने तुम्हें तख्लीक किया, मैं जानता हूँ मैंने क्या तख्लीक किया, और मैं उसी जो मैंने तख्लीक किया मैं उसी पराए में तुम्हें जज करूंगा। मैं तुम्हें क्यामत के दिन किसी हाई आईक्यू वाले के सामने खड़ा होके जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस करके तुम्हें फेल नहीं कर दूंगा कि फलाने ने तो अल्लाह की राह में इतने करोड़ और इतने बिलियन दिए थे, तुम तो एक खजूर की गुठली लेके आए थे। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे हाल के मुताबिक जज करेगा, और वो जानता है उसने क्या हल किया है। अगर हम इस दुनिया में आ गए, हम जिस हाल में इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह की नज़र में ये हमारे लिए परफेक्ट था। और मौला अली का कॉल है, आपने फरमाया मैं अल्लाह की तकसीम पर राजी हूँ, जो मुझे दे दिया मैं उस पर कंटेंट हूँ। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे ये दिया, मुझे जरूरत नहीं है कि उसने फलां एक्स वाई जी को क्या कुछ दिया, वो अपने हाल में अल्लाह कह रहे वो खुश रहे। मैं अपने रब की तकसीम पर राजी हूँ, उसने जो मुझे दिया वो मेरे लिए बेहतरीन था और यही मुझे रिक्वायर्ड था। तो बेसिकली अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और साथ ही जो इसम यूज करें वो इसके ऊपर मजीद दलील है। अल्लाह ताला फरमा रहे वहुवल लतीफुल खबीर। इंसान बहुत दफा सोचता है अल्लाह की जात इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, मतलब अल्लाह ताला पूरी कायनात और सारी जो तख्लीक है ये अल्लाह ताला की मुट्ठी में है, इतनी बड़ी जात है, मेरा इतना छोटा सा मसला है। इस नजरिए से देखा जाए तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और पर अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो मेरा ये जो दुनिया का मसला है या जो मेरी ये तकलीफ है, इसकी बारगाह सरमदियत में क्या वैल्यू होगी? मैं किस तरह अल्लाह ताला के सामने भी ये मसला लेकर, अगर हमारे वह लतीफ, अल्लाह ताला इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद वो इतना लतीफ है। लतीफ कहते हैं जो बहुत माइन्यूटेस्ट डिटेल्स को भी जानने वाला, जो हर छोटे से छोटे जर्रे को भी जानने वाला, बहुत लुत्फ वाला, बहुत बारीक बीन हो। और दूसरा लतीफ का मतलब होता है क्योंकि वो इतना बारीक बीन है तो उसका हर काम हिकमत वाला होता है। तो लतीफ में हिकमत के मायने भी आते हैं कि वो इतना बारीक बीन है, वो इतने माइन्यूट लेवल पे जाके एक चीज को अंडरस्टैंड करता है कि उसका फैसला हिकमत से भरपूर ही होता है। और फिर साथ ही साथ फरमाते हैं वहुवल खबीर, लतीफ भी है, फिर एक तो वो बिल्कुल छोटे लेवल पे जाके उसके पास इंफॉर्मेशन है, फिर कुल टोटल अल खबीर, उसके पास पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर चीज की कुल्ली इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब जब तक इंसान के पास कुल्ली इंफॉर्मेशन ना हो, आप कभी भी एक हिकमत वाला फैसला, बाबरकत फैसला नहीं कर सकते। जब तक आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन ना हो, आपके पास हर लेवल की इंफॉर्मेशन ना हो, तो अल्लाह ताला वाहिद जात है जो अल लतीफ अल खबीर है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला के इस्म अल लतीफ 7 दफा आया, जिसमें से 5 दफा ये खबीर के साथ आया। तो इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए कि एक वो लतीफ अल खबीर जो है, क्योंकि वो माइन्यूटेस्ट लेवल पे जाके डिटेल्स को जानते हुए हिकमत के साथ फैसले करता है, तो हमें भी दुनिया में जब लोगों के मसले मसाइल हमारे सामने आते हैं, या हम अपनी जिंदगी के मसलों को सोच रहे होते हैं, या हम किसी और की जिंदगी के फैसले कर रहे होते हैं, तो हमें भी बहुत डेलिकेटली और हिकमत के साथ फैसले करने चाहिए। और दूसरा हमें इससे ये मैसेज मिल रहा है
कि इंसान कभी भी बाहिकमत फैसला नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो। इसलिए कभी हेस्टी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम्हारे पास कोई भी खबर आए पहले उसकी पूरी तरह जांच पड़ताल कर लो। ये मोमिन के लिए कि शायान शान ही नहीं है कि वो सुनी सुनाई बातों को आगे फैलाता फिरे या उन पर ईमान ले। तो इसलिए कुरान पाक तरफ फरमाते हैं कि क्योंकि तुम्हारे अंदर लुत्फ नहीं है, तुम्हारे अंदर खबीर होने की टोटल क्वालिटी नहीं है, तो जब तुम लतीफ नहीं हो, खबीर नहीं हो, तो फिर उस लतीफ और खबीर के मैसेज को सुनो, फिर उस पर रिफ्लेक्ट करो, अपनी अक्ल इस्तेमाल करो, अपने दिल को इस्तेमाल करो, गौर व फिक्र करो और फिर अमल करो। तो इसलिए ये अला यालम मन खाला का वाव लतीफुल खबीर, ये एज अ वजीफा भी बहुत बहुत प्यारी आयत है कि जब इंसान को तसल्ली ना हो या बेचैनी हो तो आप अपने आप को बार बार ये याद दहानी कहें कि क्या मुझे वही नहीं जानता जो लतीफुल खबीर है और जिसने मुझे बनाया है। मुझे भी शायद अपनी समझ इस वक्त इतनी आ रही कि मुझे क्या चाहिए इस हालात में या इन मसाइल में, मुझे क्या इस बेस्ट सोल्यूशन चाहिए, मुझे भी नहीं पता। अल्लाह यालमु मन खलका, अपने आप को याद कराएंगे कि आप वो नहीं जानता जिसने मुझे पैदा किया, मैं उसके साथ जुड़ गया हूँ, वो लतीफ़ और खबीर है, माइन्यूटेस्ट डिटेल्स में जाके मेरे लिए एहसन से एहसन फैसले करेगा, और फिर अल्लाह पे तवक्कल करें। और जो आयत 15 है जो हमने आज सुबह पढ़ी, हुवल्लज़ी, वही अल्लाह है, जअला लकुमुल अर्दा, जिसने बनाया तुम्हारे लिए अलार्द, जमीन को, जलूलन, जलूलन कहते हैं बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा आजिज़। और ये जो उर्दू में हम जलील या जिल्लत का जो वर्ड यूज़ करते हैं, किसी को मसखर कर लेना, किसी को अपने आगे हम्बल कर लेना, ये भी इसी लफ्ज़ से निकला है। तो जो जलाला है ये बेसिकली मुबालगे का सीगा है, बहुत इंटेंसली किसी को अपने आगे आजिज कर लेना, बहुत शिद्दत से किसी को मसखर कर लेना, नरम कर देना। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी रियलिटी इंसान को समझाई जा रही है, और स्पेशली टुडे हम जो साइंस की जनरेशन के लोग हैं, कि ये जो जमीन थी ये एक आग का गोला था, वी ऑल नो दिस। और अल्लाह ताला ने इसमें अपने खलीफा को ज़मीन पे भेजने से पहले उसके लिए इसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने तुम्हारे लिए क़यामत तक आने वाली सारी जो तुम्हारी ज़रूरतें किसी भी टाइम में, किसी भी ज़माने में और किसी भी दौर में इंसान को जो भी ज़रूरत पेश आ सकती है, मैंने उसकी मता तुम्हारे लिए इस ज़मीन में पहले से रख दिया। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। आज हम जो कुछ डिस्कवर कर रहे हैं वो कोई आउट ऑफ स्पेस, आउटर स्पेस से चीज़ें नहीं आई, यू नो, वो सब इस दुनिया में पहले से मौजूद थी, हम डिस्कवर अब कर रहे हैं। जितनी मेडिसिन आज हैं वो कोई बाहर से कोई एलियंस लेके नहीं आए, इस दुनिया में वो सब चीज़ें मौजूद थी, वो हमारे लिए गैब में थी, अल्लाह ताला ने उनको छुपा के रखा था। फिर जब अल्लाह की हिकमत के मुताबिक वो वक्त आया कि अल्लाह ताला ने कहा कि अब इंसान के सामने इस चीज़ को ज़ाहिर होना चाहिए, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली गैब से वो चीज़ें फिर हमारे मुशाहदे में आती हैं और फिर इंसान उनको डिस्कवर कर लेता है। अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इसके अलावा और जो हमारे इर्द गिर्द इतने ज़्यादा मेटाफिजिकल फोर्सेस हैं जिनको हम मेटाफिजिकल कहते हैं, वो पहले गैब में थी, अब वो हमारे लिए फिजिकल फोर्सेस बनती जा रही हैं क्योंकि अब हम उनको मुसख़र करते जा रहे हैं। ये आज से नहीं, ये कोई अब नई पैदा नहीं हुई इस दुनिया में, ये खरबों ट्रिलियन गज़िलियंस ईयर्स बैक जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को हमारे लिए बनाना शुरू किया, वो खालिक, वो लतीफ़ और खबीर और रहमान इतनी मोहब्बत है कि वो तब से हमारे लिए ज़मीन को तैयार करें। वो स्पेशली मतलब मैं अगर ये सोचूँ कि वो सिर्फ फातिमा के लिए ये दुनिया तैयार करते, कभी वो आएगी उसको फलां फलां सूट पसंद होगा, पहले से इस दुनिया में उसको भेज देना चाहिए, उसको फलां फलां रिक्वायरमेंट्स होंगे पहले से वो चीज़ें भेज देनी चाहिए। सो हर इंसान का अल्लाह का यही रहमतों का और मोहब्बत का मामला है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसी ये आग वाली एक ये ज़मीन थी, इस पर लावा था, लावा में स्टेबिलिटी नहीं थी, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा ऐसा ठंडा करना शुरू किया, फिर उसमें बड़े बड़े अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने इसमें पहाड़ गाड़ दिए ताकि ये ज़मीन तुम्हें हिला ना सके। और अभी भी कहीं पे जब अल्लाह का हुक्म होता है और थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला ज़मीन को वो जो हुक्म
जिल्ला दिया गया है कि तुमने इंसान के आगे उफ नहीं करना। जब अल्लाह ताला का एक लम्हे के लिए वो हुक्म उठ जाता है और जब जमीन एक सेकंड के लिए कांपती है, दुनिया में कोई इतना पावरफुल इंसान नहीं है, वो बादशाह है, वो सुपरमैन भी है। जब जमीन अर्थ को एक आता है, कोई इंसान खड़ा नहीं रह सकता। इंसान की ये हकीकत है, हम इतने आजिज हैं कि अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक, अगर अल्लाह ताला उसको थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए इजाजत दे दें कि अच्छा ठीक है अपनी असल पर चली जाओ, और जमीन की असल क्या है, इसमें तो हर वक्त हिचकोले थे, ये तो जमीन हर वक्त कांपती रहती थी क्योंकि इसके नीचे इतना लावा है और ये इतनी अंदर से अनस्टेबल है, ये तो अल्लाह के हुक्म पे हमारे लिए मसखर हुई और ये जलूलन की गई है, वरना तो इसकी हकीकत तो बहुत ज्यादा वॉयलेंट मूवमेंट्स थी। वो एक सेकंड के अल्लाह उसको हुक्म देते हैं कि ठीक है एक सेकंड के लिए गो बैक टू योर रियलिटी, वो किसी एक मकाम पे अपनी असल की तरफ जाने की बस सिर्फ एक सेकंड की कोशिश करती है और पूरे की पूरी बस्तियां तबाह हो जाती हैं और इंसान ख़त्म हो जाते हैं और समुंदर उबल जाते हैं और इतना एडवांस इंसान और साइंस को एक तरह से अपने कदमों में पाने वाला इंसान भी कुछ नहीं कर सकता उन सुनामी के सामने, उन अर्थ को इसके सामने। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ये ज़मीन असल में बहुत वॉयलेंट थी और अल्लाह ताला इसमें रहमान, क्योंकि वो है उस रहमान ने अपने खलीफा के लिए इसको इतना टेम किया, इसको इतना जलील किया, जलील से मतलब इसको इतना नरम कर दिया, इसको इतना मुसख़िर कर दिया कि ये आज बिल्कुल इंसान के कदमों में बिछी हुई है और बिल्कुल स्टेबल है। ठीक है, तो अगर आप कुरान पाक में एक आयत है इज़ा ज़िलज़िलतिल अर्ध ज़िलज़ालहा, कि जब जमीन अपनी शेकिंग शेकी जो उसकी एक नेचर है उसके साथ जब वो शेक करती है, जब वो ओरिजिनल अपनी वॉयलेंट हालत पे चली जाती है तो फिर क्या हालात होते हैं। तो अल्लाह ताला एक तरफ तो जाला लकुम के अंदर जो दो मायने हैं, जाला बनाया उसने, लकुम तुम्हारे लिए, हमारे लिए जमीन को हम्बल क्यों किया, इसमें दो मायने हमारे लिए। नंबर वन, ये रहमान की मोहब्बत है, उसने इस जमीन को हमारे लिए मुसख़र किया, इसको हमारी खिदमत पर लगा दिया, वरना ये इतनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी हस्ती को अपने खलीफा जो कितना छोटू सा है और इसी जमीन से निकला है, इसी मिट्टी से बना है, उसको इस इतनी बड़ी हस्ती को उसके आगे जो है वो हम्बल कर दिया। तो ये अल्लाह ताला इसके अंदर एक मैसेज ये है इंसान के लिए कि जमीन जो है वो भी तभी फायदा देती है इंसान को जब वो हम्बल होती है। देखें, जमीन बहुत सख्त हो तो उसमें पौधा कभी नहीं उगता। जब आप जमीन को जलूलन करते हैं, जब आप उसके ऊपर मुसलसल मुख्तलिफ औजार के साथ जब आप उसको बीट करते हैं, उसकी मिट्टी को नरम करते हैं, उसके अंदर हल चलाते हैं, फिर उसके अंदर आप कहीं पर भी बीज डाल दें, अल्लाह के हुक्म से वो छोटी सी नरम सी कोंपल जमीन का सीना फाड़ के निकल आते हैं। तो मैसेज ये दिया जा रहा है कि एक तो मैंने ये तुम्हारी मोहब्बत में ये सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख़र किया ताकि तुम मेरे लिए हो जाओ, इस सब को तुम्हारी खिदमत में स्थिति लगाया ताकि तुम ये मत कहो कि आलम यार मैं तो मुझे तो ये इतने हजार काम थे आपको मैं कैसे याद करता, ये सब तुम्हारी तुम मेरे बन जाओ, ये ऑटोमेटिकली सब तुम्हारे आगे मुसख़र है। और दूसरा मैसेज जो बताया जा रहा है कि वो यही है कि तुम इस ज़मीन से अपनी असल समझो, ये ज़मीन इतनी बड़ी हो के इतनी हम्बल है तो तुम्हें जो इस जमीन से बनाया है तुम्हारी असलियत भी ह्यूमिलिटी है, तुम्हें भी अपने रब के सामने ऐसे ही आजिज़ होना चाहिए, चाहे तुम्हारी तबीयत के अंदर हजार अर्थ को इकाएं, इमोशनली तुम किसी वक्त बहुत चार्ज और तुम्हारा दिल चाहे जिससे ज़मीन बाज़ दफ़ा फटने के लिए तैयार हो जाती है, तुम्हारा भी दिल चाहे कि मेरे अंदर से लावा निकल जाना चाहिए और सबको तहस नहस कर देना चाहिए, लेकिन उस वक्त याद रखो ये तुम्हारे पांव के नीचे ज़मीन है, उसने इसको कैसे हुक्म दिया और ये मखलूक अल्लाह की सबमिट करी है, तो तुम तो खलीफा हो, तुम्हें उससे ज़्यादा आजजी अपने रब की तरफ दिखानी चाहिए, इससे ज़्यादा तुम्हारे अंदर अपने रब के हुक्म के ऊपर लबैक कहने की एबिलिटी होनी चाहिए। और जिस तरह ये ज़मीन सिर्फ तब बेनिफिट देती है, दूसरों के लिए खैर होती है, अपने लिए खैर होती है, जब ये नरम हो जाती है अपने रब के सामने सबमिट करती है, इसी तरह तुम्हारी ज़ात भी तभी खैर होगी अपने लिए भी और लोगों के लिए भी, जब तुम अपने रब के सामने
बिल्कुल झुक जाओगे। अच्छा, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस आयत इज फमशु फी मना के बेहा। फमशु, फ का मतलब होता है पास, अमशु तुम चलो फिरो, फी इन मना के बेहा इसके नकाबा में, इसके रास्तों पर। ठीक है, तो इसका तर्ज में बस अब तुम चलो फिरो इसके रास्तों पर। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया फमशु अला मना के बेहा, जो कि अरबी में नॉर्मली यूज किया जाता है फ्रेज कि चलो अला ऊपर इसके रास्तों के। यहाँ पे कहा जा रहा है इन फमशु फी मना के बेहा। तो इधर एक हमें ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि सिर्फ ऐसे सतही तौर पे मत चलो फिरो, एक्सप्लोर करो, डिग डीप, गो एंड एक्सप्लोर दिस यूनिवर्स, दिस वर्ल्ड, इसके रास्तों में चलो फिरो, इसके रिसोर्सेज ढूंढो इसके अंदर। हाँ, इसको सिर्फ सतही तौर पे मत देखो हर चीज। वो जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं लतीफ हूँ, मैं खबीर हूँ, मैं मुतबारिक हूँ, मैंने बहुत बरकतें रखी हैं। तो इसके अंदर इसके रास्तों को डिग डीप एंड एक्सप्लोर, और इसमें से अपने लिए जो है वो अपने रब की जो नेमतें और रहमतें उनको डिस्कवर करो। एक इसके अंदर मतलब ये भी है कि ये हिजरत की तरफ लोगों को अल्लाह ताला जो है वो मैसेज दे रहे हैं कि अगर तुम्हारा किसी जमीन के खत्ते में तुम्हारे लिए तुम्हारा ईमान बचाना मुश्किल हो जाए, वहां पे तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारी सोहबत कुफर वालों की ज्यादा है, किसी आप ऐसे इलाके में जहाँ पे आपके इर्द गिर्द ना सिर्फ गैर मुस्लिम हैं बल्कि एग्रेसिव गैर मुस्लिम हैं, जो दीन की ओपनली क्या उसे कहते हैं नफरत का इजहार करते हैं और आपके लिए दीन के ऊपर अमल करना नहायत मुश्किल करते जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला फरमाने फिर जाओ मैंने अपनी जमीन तुम्हारे लिए मसख्खर कर दिया, तुम अपने रब के लिए खालिस अपने रब के लिए जब हिजरत करोगे तो इसके रास्तों में फिर चलो फिरो, वकुलू में रिस्की, और इधर जो मैंने तुम्हारे लिए रिस्क दिया इसको जाके खाओ पियो, क्योंकि रब ताला ने जमीन को इंसान के लिए बहुत वुस्त दी है, और स्पेशली जो आजिज होके अपने रब के लिए निकले घर से। तो एक तो इसमें हिजरत की भी मतलब आता है, लेकिन जो ये फमशु फी मना के बहा है, इससे एक छोटी सी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खूबसूरत है, वन ऑफ द कुरानिक जेम्स, वो ये है कि अगर कुरान पाक के मुख्तलिफ जगहों पर आप देखें तो चलने फिरने की जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं मुख्तलिफ पर्पजेज के लिए, उनके लिए लफ्ज भी बहुत डिफरेंट यूज हुए, और वो एक तरह से इंसान को मैसेज है कि जो तुम्हारी कोशिश है और जो तुम्हारी भाग दौड़ है वो डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा गोल क्या है, वो उस गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा चलना फिरना और तुम्हारी जद्दोजहद की शिद्दत क्या होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब देखें सबसे पहले मैं शिद्दत, कम शिद्दत से ज्यादा शिद्दत की तरफ चलते हैं, सबसे पहले कुरान पाक में वर्ड आता है और बहुत दफा ये वर्ड आता है सीरू फिलर्द, उर्दू में भी हम सैर का वर्ड यूज करते हैं, घूमना फिरना, यू नो स्ट्रोलिंग बेसिकली। तो इसकी शिद्दत सबसे कम है, क्या बहुत इंजॉय करते हुए धीमे धीमे जब आप सैर कर रहे होते हैं और आप यू नो आप यू आर एंजॉयिंग द एनवायरमेंट, तो अल्लाह ताला कामा में कहते हैं सीरू फिल अर्द, मेरी बनाई हुई जमीन में घूमो फिरो और अपने रब की नेमतों को देखो और उसने जो खूबसूरती तुम्हारे लिए बनाई है और जो नेमतें और रहमतें बनाई हैं उनको इंजॉय करो और अपने रब का शुक्र अदा करो। तो इसमें जो वर्ड है वो ये है कि जब घूमने का वर्ड है दुनिया को देखने के लिए, फिर सेकेंड ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं फमशू फी मना के बिहा, अब यहाँ पे स्ट्रोल का वर्ड नहीं यूज हुआ, यहाँ पे आता है फमशू यानी कि वॉक डिलिब्रेटली किसी पर्पज के तहत, किसी मकसद के तहत चलना फिरना, सिर्फ आप एवं इंजॉयमेंट के लिए नहीं घूम फिर रहे, अब आप एक मकसद के लिए चल रहे हैं तो उसको फमशू कहते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब क्योंकि तुमने अपने लिए रिस्क हलाल कमाना है और अब तुमने अपने लिए कोई रोजी तलाश करनी है, तो अब तुम जमीन के मुख्तलिफ इलाकों में और रास्तों में जाओ अपनी रिस्क की तलाश में। तो वहां पे रिस्क के लिए वॉक का वर्ड यूज होता है। ठीक है, अब आगे दीन की तरफ आ जाए, कुरान पाक में आयत आती है सूरह 62 आयत 9, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मा, कि जुम्मा के दिन जब नमाज के लिए तुम्हें बुलाया जाए, अब दीन की तरफ बुलाया जा रहा है, वहां पे ना कहा गया मटर गश्त करते हुए आराम से स्ट्रोलिंग करते हुए चले जाना, ना ये कहा गया कि मतलब यू नो आराम आराम से चल के जाना, वहां कहा गया
फसू इला जिक्रल्लाही, फसू सही करो। सही क्या होता है? कोशिश करना, डिलिब्रेट कोशिश करना। अब आप सिर्फ चल नहीं रहे, आप बहुत जल्दी में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रश का वर्ड यूज होता है कि जब दीन का मामला है तो फिर रश, फिर रश टू टुवर्ड्स दीन। फिर आगे मामला आया मगफरत का, सबसे पहले इंजॉयमेंट के लिए आप स्ट्रोल करें, फिर आया रिस्क का मामला तो वॉक करें, फिर आपका दीन का मामला है तो रश करें, अब मगफरत का मामला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, साबिकू इला मगफिरत मिन रब्बिकुम। ये सूरह हदीद की आयत 21। अल्लाह ताला फरमाते हैं सबकत ले जाओ, ठीक है। साबा का, साबिकू का वर्ड है, सबकत ले जाओ एक दूसरे के ऊपर, यानी कि टू बीट इच अदर इन गेनिंग अल्लाह ताला फॉरगिवनेस। भागना, टू रेस। तो जब अल्लाह ताला की मगफरत हासिल करने का मामला आता है तो अल्लाह ताला पे कहते हैं अब दौड़ लगा दो, नाउ रेस फॉर फॉरगिवनेस। और फिर जो सबसे हाईएस्ट फिफ्थ लेवल है वो है रब की अपनी जात का। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह जारियात में आयत 50 है, फफिरू इलल्लाह, बस उड़ कर पहुंचो अपने रब तक। यानी कि अब जब जाते हक की चाहत और तलब का मामला आया तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अब भागने, दौड़ने, वॉक करने से काम नहीं बनेगा, अब तो उड़कर पहुंच जाओ अपने रब तक। टू डेस्परेटली रन लाइक इट्स नोबडीज बिजनेस, इस तरह आप अल्लाह ताला तक पहुंचे। तो डिपेंड, आपकी जो दुनिया की जो सही है वो डिपेंड करती है कि किस पर्पस के लिए आप काम करें। तो उस लिहाज से फिर उसके अंदर शिद्दत होनी चाहिए। तो फमशू फिर मना के बाद चलो फिर इसके रास्तों में, वो कुलू में रिस्क की, और जो इधर अल्लाह ताला ने इसमें तुम्हारे लिए रिस्क, हलाल रिस्क रखा है उसके लिए जिद्दोजहद करो। यहाँ पे कुलू में रिस्क ही, उसके दिए हुए रिस्क में से, मिन का जो वर्ड आया, मिन रिस्क की, अल्लाह के दिए हुए, अल्लाह के प्रोवाइडेड रिस्क में से खाओ पियो। इसमें हमें मैसेज ये दिया जा रहा है कि दुनिया में इंसान की जो एक सबसे बड़ी मसला होता है, इंसान का जो बहुत बड़ा कंसर्न होता है, वो होता है रिस्क। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस एक मामले में, जिस तरह इस जमीन पे तुम्हारा चलना फिरना, इससे तुम बिल्कुल बेफिक्रे हो गए हो, तुम्हें कुछ फिक्र नहीं है। तुम ऐसे इस चलते, तुम्हें पता भी नहीं इसके नीचे कितने तूफान आ रहे हैं, तुम्हें बस पता है कि मेरे रब ने इसको क्योंकि मुसाफिर किया हुआ है तो तुम बेफिक्र होकर इस पर चलते हो। इसी तरह वो खालिक तुम्हें बता रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए रिस्क मुहैया मैंने किया है, तुमने सिर्फ उसके लिए सही करनी है और वो तुम्हें जरूर मिलेगा। तो रिस्क का मामला राज़िक ने अपने हाथ में रखा है, वो किसी को नहीं दिया। तो अल्लाह ताला इसलिए फरमा रहे हैं कि नेवर वरी अबाउट रिस्क। ये मत सोचो किसी और बंदे ने तुम्हें रिस्क देना, तुम अपना मामला रब से दुरुस्त रखो। ये जमीन इतनी तुम्हारे लिए मुसख्खर है, हम्बल्ड है, अगर तुम अपने रब के मुत्तकी बन जाओगे तो गैब से तुम्हारे तक रिस्क पहुंच जाएगा। क्योंकि जब ये जमीन देखती है कि ये मेरे ऊपर जो अल्लाह का खलीफा है, ये उसका खलीफा होने का हक अदा कर रहा है, तो जो ये हमारे लिए नॉर्मल प्रोविजंस प्रोवाइड करती है उससे बढ़कर इसका दिल चाहता है कि मैं अपने रब के इस फरमाबरदार की खिदमत करूं, क्योंकि अल्लाह की खुशी इसमें है कि मैं अल्लाह के मोमिनीन को, मैं अल्लाह के मुत्तकीन को, मैं अल्लाह के इबाद को राजी कर लूँ। ये तो गैर मुस्लिमों के लिए भी अपने सीनों में से सोने चांदी और समरात जो है वो उंडेल देती है, लेकिन मोमिन के लिए तो पूरी कायनात इज जस्ट स्टैंडिंग स्टिल के हम हाथ बांधे करें, आप हमें हुक्म दें। वो इलाही ही नुशूर, और एंड इस आयत का ये, और बेशक फिर अल्लाह ही की तरफ सबने लौट कर जाना है या सबने जमा होना है। बेसिकली नशर का मतलब होता है जब कोई चीज नाशारा, जब कोई चीज खोले और फिर उसके अंदर से कोई चीज ब्लॉसम करे, जिससे हम कहते हैं कि खबर नशर होगी, कोई चीज खुलना और फिर उसका बरकतों के साथ फैल जाना, ठीक है। तो कुरान पाक में ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि एक तो रब की तरफ लौटना है, और जो हकीकी ब्लॉसमिंग है जिंदगी की वो अपने रब के पास है। इस दुनिया में आप कभी भी कम्प्लीटली ब्लॉसम नहीं करते, बिकॉज ये तो एक दारुल इम्तिहान है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम हमने गुजारना है, एक छोटी सी मता दी गई है, आखिरत के मुकाबले में बहुत ही छोटी है। तो
और जो असली इंसान का जो ब्लॉसम करना है और जो असली इंसान का नशर है वो तो अपने रब के पास ही है और उसका मज़ा भी वही है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस आयत, बट एक और ये जो भी हम लोगों ने 15वीं आयत पढ़ी इसी को अगर सूरह अनकबूत से अगर हम उसकी 15वीं आयत से इसको अगर जोड़ें तो पढ़ने में सूरह अनकबूत में पता नहीं चलता हमें कि अल्लाह ताला वहाँ पे शायद मोमिनीन ने मक्का के लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत ग्रैंड प्लान उनको प्रोवाइड किया है ना, हमें और अदर और डिफरेंट मैसेजेस नज़र आते हैं पहली नज़र में। पर अगर आप इस व्यू से सूरह अनकबूत को भी स्टडी करें कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुसलमान मक्का में और अभी उनको वहाँ पे जहाद का हुक्म नहीं है और उनके हाथ रोके हुए हैं कुफार से, और कुफार मुसलसल जुल्म कर रहे हैं और दीन के खिलाफ बात भी करते हैं और मुसलमानों को बहुत शदीद अजाब भी दे रहे हैं, हर तरह की तकलीफ भी दे रहे हैं। अब इन हालात में सूरह अनकबूत की तलावत की जा रही है, ठीक है। अब आप उस लिहाज से अगर सुने कि अब मोमिनीन को या असहाबा इकराम को भी सुनाई क्या दे रहा है, पहले सूरह अनकबूत बात करती है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की और फिर कि किस तरह उन्होंने इतना बड़ा जो एक सैलाब आया उससे वो कैसे बचे। फिर उसके बाद वो हजरत इब्राहिम की बात करती है कि उन्होंने इतनी बड़ी आग जो कि दुनिया में नामुमकिन था कैसे अपने रब के इज़्ज़त से, क्योंकि वो अपने रब से जुड़ गए तो वो उस आग से कैसे बचे, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जो असहाब थे वो अपने क्योंकि नबी से जुड़ गए उनकी नस्बत से उस किश्ती में बैठे, उस किश्ती ने तो उनको नहीं बचाया, अल्लाह के हुक्म से वो जो नस्बत रसूल उनको हासिल थी उस किश्ती में उसने उनको बचाया। तो सुहाबा को मक्का में बैठे हुए मैसेज क्या मिल रहा था कि इट डज नॉट मैटर किस सिचुएशन में आप हैं, अगर पूरा ग्लोब पानी का भी बन जाए या अगर इतनी मैसिव आग भी आपके लिए लगा दे, अल्लाह तक आपके लिए निकलने का प्लान है, रब की अगर मंशा आपको बचाने की तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर सूरह अनकबूत कहती टॉक्स अबाउट हजरत लूत, और हजरत लूत उस वाक्य में जो अल्फाज आते हैं कि हजरत लूत अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि अब मैं हिजरत करूंगा अपने रब की तरफ और मेरा रब मुझे कोई रास्ता सुझाएगा। अगेन असहाबे मक्का असहाबे कराम जो मक्का में उस वक्त थे उनको मैसेज दिया जा रहा है इस वक्त अपने रब की तरफ हिजरत कर जाओ, मानवी हिजरत की बात हो रही है, यानी कि अपने दिल को अपने जज्बात को अपने इरादों को अपने रब से जोड़ लो, वो तुम्हारे लिए फिजिकल दुनिया में भी हिजरत मुमकिन बना देगा। और अब सुहाबा ये चीज़ें सुन रहे हैं और ये आयात सुन रहे हैं, अम्बिया के ये किस्से सुन रहे हैं, तो अब वो सिर्फ पुराने लोगों की कहानियां नहीं सुन रहे, उनको पुराने लोगों के वो हकीकी वाकयात सुनाई दे, 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 दे रहे हैं जहाँ पे अल्लाह सुबहानहू ने इतने बड़े बड़े टेस्ट में से मोमिनीन को किस तरह निकाल लिया। तो अगेन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि सूरह अनकबूत के बिल्कुल एंड में आपको ये वर्ड्स मिलते हैं लात तजादलू कि मत तजादला करो, मत बहस करना अहले किताब के साथ एक्सेप्ट उस बात के जरिए जो बहुत ही बेहतर हो बहुत एहसन हो। अब अहले बैत जो अहले किताब जो थे वो मक्का में तो मौजूद नहीं थे, कुरान पाक आपको कह रहा है कि तुम लोग अहले किताब से बहस में बहसा मत करना मगर ऐसे ऐसे तरीके से उनसे बात करना जो बहुत ही अच्छा तरीका हो। अब अहले किताब तो मौजूद है मदीना शरीफ में, तो अब ये सूरत जो है वो मुसलमानों को एक स्ट्रैटेजी दे रही है, उनको एक प्लान दे रही है, अल्लाह ताला के इन आयात में उनके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटिजिक प्लान मौजूद था कि किस तरह आप हिजरत करेंगे और फिर अहले किताब से आपका मामला ठहरेगा और फिर आपने उनके साथ किस तरह बात करनी है। और अल्लाह ताला ने जिस तरह हजरत नूह के असहाब को, हजरत इब्राहिम के असहाब को, हजरत लूत अलैहिस्सलाम के असहाब को इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशों से निकाला, तो अल्लाह ताला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े हुए और उनसे वफा करने वालों का मामला तो उन सब से आला करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारी जो चीज़ है ये किस लिए कि सहाबा को बताया जा रहा है तुम सुनो, गौर लगा के सुनो, सिर्फ आयात को सतही तौर पर मत सुनो, गौर दिल से सुनो और फिर इसके ऊपर अपनी अक्ल और शऊर और अपना खिर्द इस्तेमाल करो और हिकमत के साथ फैसले करो और फिर अमल करो। और फिर सहाबा ने अमल किया और मस्जिद मदीना शरीफ में आपको पहली इस्लामी रियासत इतनी खूबसूरत नज़र आती है। तो यही मैसेज हम लोगों के लिए भी है इस सूरत में कि सिर्फ इन आयात को इनके बेसिक तर्जुमों से मत समझें,
आप इसमें अपनी सिचुएशन को देखें, ये आपके लिए कुरान पाक टाइमलेस है। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक नहीं है कि वक्त और जमाने की कैद इसके ऊपर, जमान और मकान की कैद इस पर अप्लाई करती हूँ। कुरान पाक पे बिल्कुल टाइम एंड स्पेस अप्लाई नहीं करते, ये हम सबके लिए भी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अल्लाह यालमु मन खलका वहुवा लतीफुल खबीर, मेरे लिए इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आयात, बिकॉज आई आई लिसन टू इट, और मुझे लगता है अल्लाह मुझे कह रहे फातिमा मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तो बारीक तरीन लेवल पे तुम्हारे हालात से वाकिफ हूँ, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे इरादों से, तुम्हारी खुशियों से, आई नो वॉट यू वॉन्ट, कनेक्ट टू मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कैसे भी हालात हो, इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू माई फेस, अल्लाह यालमु मन खलका, या हम समझते हो माई गॉड ये कैसे होएगा, फला काम कैसे होएगा, सब काम हो जाएंगे अगर आप लतीफ और खबीर अपने खालिक, और खालिक भी वो जो रहमान है, उसकी नज़र से चीज़ों को देखेंगे, इंशाल्लाह 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हो रहा है और होता रहेगा, इंसान ना शुक्र होता है, हम हिकमतों को समझते नहीं, और बाज़ दफ़ा जब आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कुछ अरसे के बाद अपने हालात पे गौर करते, तो आपको ख्याल आता है वो जो सिचुएशन आई थी, जो मुझे लगा कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया मेरे साथ, वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने मुझे फलां चीज़ सिखाई, या उसने मुझे फलां चीज़ अता की, या उसने मुझे फलां चीज़ जो है उससे बचा लिया। तो अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम का फहम अता फरमाए, और कुरान हकीम को ना सिर्फ कानों से बल्कि दिल से सुनने की, इसको समझने की, इसे मोहब्बत करने की, दूसरों तक पहुंचाने की, और इसकी कमा हक का वो अमली तफी बनने की तौफीक अता फरमाए। सदक अल अजीम।